ने मुद मंगलमय संत समाज ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए आए साधक गण एवं साधिकाएं आज इस सभा में उपस्थित अन्य सज्जनों एवं देवियों ध्यान की परंपरा कब से है इसकी एक सीमा रेखा खींचना बहुत मुश्किल है। दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद को माना जाता है, उसमें भी ध्यान का संकेत आता है। उपहरे च गिरी नाम संगथे च नदी नाम धियो विप्रो अजायत। पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम में साधक बुद्धि को निर्मल करते हैं, मतलब वहाँ संकेत है। शिव जी की प्राचीनतम मूर्तियाँ बहुत पुरानी मूर्तियाँ मानी मिलती रहती है ध्यान मुद्रा में, तो ध्यान की प्रक्रिया बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। और हम ये कह सकते हैं जब से मनुष्य है तब से ध्यान है, और मनुष्य सब समय है तो मानो सब समय से ध्यान रहा है। अपने अपने ढंग से पूरा काल से लोग ध्यान साधना करते रहे हैं और मानसिक क्लेश से छुटकारा पाने के लिए काम करते रहे हैं। सदगुरु कबीर ने सहज ध्यान रहो गुरु के वचन समाई हो बीजक में कहा है। सहज समाधि उन्मनी जागे सहज मिले रघुराई कहा है। संतों सहज समाधि भली एक पद में कहा है, बहुत जगह कहा है। सदगुरु कबीर का पूरा जीवन ही ध्यानमय है। अभी हमारे सम्मानित श्री शिमुनि साहब ने कहा ध्यान का अर्थ है जागरूकता। अलग हम जो यहाँ बैठ करके ध्यान का अभ्यास करते हैं वो तो साधना है, और इस साधना का व्यवहारिक रूप है जीवन निर्वाह और व्यवहार के जितने भी हम काम करते हैं सब का सब पूरी तरह से जागरूक होकर होश हवास में करें। जागरूक होकर पूर्ण जागरूक होकर होश हवास में हम जो भी क्रिया करेंगे हमारी हर क्रिया ध्यान बन जाएगी। तो सद्गुरु कबीर का पूरा जीवन ध्यानमय रहा है, और पूरे कबीर पंथ में जहाँ तक विस्तार है संत गुरुजन ध्यान करते रहे हैं, कहीं भी हो रहा अकेले बैठकर ध्यान का अभ्यास भी करते रहे हैं। लेकिन प्रायः अकेले बैठ करके अभ्यास करते थे, ध्यान साधना का काम करते थे, सामूहिक रूप में ये ध्यान करने का प्रचलन प्रायः हमारे पंथ में नहीं रहा है। रहा भी होगा तो मुझे मालूम नहीं है, पर होता तो पहले रहा हो लेकिन बाद में ये प्रचलन कम पड़ गया हो या लोगों ने ध्यान न दिया हो। सन 1993 में पहली बार गुरुदेव जी ने पीतनगर में जो कबीर मंदिर है
वहाँ केवल संतों के साथ सामूहिक रूप से कुछ दिनों का ध्यान शिविर का आयोजन किया। फिर धीरे 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 इस रूप से बढ़ता गया, अब तो बहुत जगह होने लग गया है, अन्य संतगण भी कर रहे हैं। ध्यान की आवश्यकता हर उस व्यक्ति को है जो पूर्ण आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव करना चाहता है, दुखों की पूर्ण निवृत्ति चाहता है। प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। शुरुआत में हमारा मन ठहरता नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता। उस चंचल और बहकते हुए मन को एकाग्र करने के लिए अनेक प्रकार के साधन हैं, जिन्हें क्रिया योग कहा जाता है। क्रिया योग का अर्थ ही होता है कि वह क्रिया जो योग साधना में सहायक हो, चाहे हम सांस देखने का काम करें, ज्योति देखने का, बिंदु देखने का काम करें, नाद सुनने का काम करें, या मन में अपने जो इष्ट है, गुरु है, उसके चित्र को लेकर के वहाँ ठहराएं, ये शुरुआत है मन को एकाग्र करने के लिए, और इसकी आवश्यकता पड़ती है। पूरा का पूरा वास्तविक ध्यान, जैसे कि महर्षि कपिल ने कहा है, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना। निर्विषय होने का अर्थ है निर्विचार होना। लेकिन मन निर्विचार दशा में तब पहुंचेगा जब निर्विकार होगा। यदि हमारा मन विकारी बना हुआ है तो कभी हम निर्विचार दशा में, जो जिसे पूर्ण ध्यान कहा जाता है, वहां पहुंच नहीं सकते। और विकार उठने की, जगने की संभावना हर क्षण बनी रहती है। थोड़े थोड़े में हमारे मन में विकार आ जाते हैं। पहले हमें अपने मन को इन विकारों से बचाना होगा। कैसे बचेंगे हम? जब हर क्रिया को, हर कर्म और व्यवहार को सावधानी पूर्वक करेंगे, पूरी सावधानी के साथ। सद्गुरु का आदेश है, फहम आगे फहम पाछे फहम डाहिने डेर। फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरे। फहम का वैसे मूल अर्थ होता है समझ, लेकिन समझ और सावधानी हम कहें तो पर्यायवाची मान सकते हैं। समझ सही होगी तो सावधानी तो अपने आप आ जाएगी। समझ और सावधानी पूर्वक जब हम क्रिया, हर क्रिया को हम करने लग जाएंगे तो हमारी हर क्रिया ध्यान बन जाएगी। समझ और सावधानी पूर्वक जब कोई भी काम करेंगे तो मन में विकार नहीं आएगा। समझ में गड़बड़ी है और असावधान है तो मन की तो आदत है विकारों की तरफ बहने के लिए। जो विकार हैं हमारा स्वभाव जैसा बन गया है, इसलिए इन विकारों को दूर करना, इनका शमन करना कठिन लगता है। लेकिन निरंतर के अभ्यास से इन विकारों का शमन किया जा सकता है। अभ्यास के लिए आवश्यक है सही समझ और पूरी जागृति। सावधानी का मतलब है जागृति। हम जागरूक होकर के काम नहीं कर पाते। यदि हम जागरूक होकर के काम करते
कभी दुखी ही नहीं होते। हम जागरूक नहीं हैं। पहचान क्या है? वैसे किसी भी व्यक्ति से हम पूछें या कोई भी पूछे कि आप जागरूक हैं, सावधान है, तो प्रायः हर व्यक्ति का उत्तर होगा हाँ कि मैं पूरा का पूरा जागरूक हूँ और हर समय मैं सावधानी पूर्वक काम करता हूँ, बिना जो भी काम करता हूँ सावधानी पूर्वक काम करता हूँ। कौन ये स्वीकार करेगा कि मैं असावधान हूँ? कौन ये स्वीकार करेगा कि मेरा मन सोया हुआ है? बहुत मुश्किल काम है। हर व्यक्ति कहेगा कि मैं जागरूक हूँ और पूरी सावधानी से काम करता हूँ। लेकिन क्या कहने मात्र से हम जागरूक हो जाएंगे? कसौटी क्या है? अंदर देखें, किसी भी बात को लेकर यदि हमारा मन भयभीत है, चिंतित है, तनावग्रस्त है, दुखी है, तो पहचान है कि हम सावधान नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं। जो हर समय जागरूक रहेगा और सावधान रहेगा, बड़ी से बड़ी घटना घट जाएगी, दुखी नहीं होगा, व्यवस्था करेगा, काम करेगा, सेवा करेगा, जो करना चाहिए वो सब कुछ करेगा, लेकिन वो दुखी नहीं होगा, चिंतित नहीं होगा, भयभीत नहीं होगा, चाहे किसी भी बात को लेकर के हैं। अभी सम्मानित ऋषि मुनि साहब कह रहे थे गुरुदेव जी के लिए कि एक सभा में एक बड़े आचार्य कहलाने वाले ने सामने ही आलोचना की और उस आलोचना को सुनकर गुरुदेव जी के मन में अमर्थ नहीं आया, कोई क्लेश या दुख नहीं हुआ। मन में अमर्ष, क्लेश और दुख का ना होना ही जागरूक होने की पहचान है। ये ध्यान जीवन में उतरने की पहचान है। क्या सचमुच हम इस स्थिति में हैं? अपने मन को टटोलना होगा। चाहे हमारे सामने, चाहे हमारे पीठ पीछे, पता नहीं किसी ने हमारी निंदा की या नहीं की, लेकिन किसी ने आकर कह दिया कि अमुक आदमी आपकी निंदा कर रहा था, आपके बारे में ऐसी ऐसी बुरी बुरी बात कह रहा था, और सुन करके हम दुखी हो गए, मन में अमर्थ हो गया या हमारे मन में उत्तेजना आ गई, इसका मतलब है कि हम असावधान हैं, हम जागरूक नहीं, हम सोए हुए हैं। प्रशंसा सुन करके मन में हर्ष हो जाना और निंदा सुन करके दुखी हो जाना हमारे सोने की पहचान है, असावधान होने की पहचान है। इसी को तो मिटाना है। साधना का फल क्या है? अनुकूल परिस्थिति में, जहां हर चीज अनुकूल है, हर चीज अनुकूल, हर चीज अनुकूल है, वहां तो हर आदमी का मन शांत रहता है, वहां तो हर आदमी निश्चिंत और निर्भय रहता है। हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं, इसकी पहचान अनुकूलता में नहीं होगी, पहचान होगी प्रतिकूलता में। दुख आने पर, हानि होने पर, अपमान होने पर, घाटा होने पर, तो ध्यान का अर्थ होता है जागरूकता, और जागरूकता मतलब है सावधानी। सावधान होकर हम जो भी काम करेंगे ना, कहा गया सावधान हो करके आप केवल भोजन कर रहे हो, पूरा जागरूक होकर भोजन कर रहे हो, तो भोजन करना भी ध्यान बन सकता है।
किताब पढ़ रहे हो, किताब पढ़ना ध्यान हो बन सकता है, रास्ता चल रहे हैं रास्ता चलना ध्यान बन सकता है, खेत जोतने खेत जोतना ध्यान बन सकता है। हर क्रिया, सदगुरु कबीर ने कहा है, शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभु न छूटे ऐसी तारी लागी। ऐसी तारी लग गई, ऐसी समाधि लग गई कि उठते बैठते वह समाधि कभी छूटती ही नहीं है। वो कौन सी समाधि है? वो समाधि ही जागरूकता, मन की विकारहीनता। गुरुदेव जी इस संदर्भ में प्रायः कहा करते थे, अभ्यास काल में जिस समय हम साधना का अभ्यास कर रहे हों, उस अभ्यास काल में अभ्यास करते करते मन का पूर्ण निर्विचार हो जाना, कोई संकल्प कोई स्मरण कोई यादगिरी मन में न होना, सारे संकल्पों से यादगिरियों से मन का ऊपर होना, पूर्ण शांत मन निर्विचार मन, यह अभ्यास काल का ध्यान है, समाधि है। लेकिन कोई भी व्यक्ति 24 घंटा साधनाभ्यास में तो रह नहीं सकता, जब तक शरीर है, शरीर का निर्वाह है, व्यवहार है, लोगों से संबंध है, तो लोगों से व्यवहार करते हुए संबंध रखते हुए शरीर निर्वाह का काम करते हुए, मतलब लौकिक व्यवहार और व्यवहारिक क्षेत्र में मन का निर्विकार रहना, अनासक्त और निष्काम रहना, ये व्यवहार काल का ध्यान है। जब तक हमारा अभ्यास काल का ध्यान व्यवहार काल में नहीं आगे, व्यवहार में उतरेगा नहीं, तब तक हम अपने मानसिक क्लेशों से छुटकारा कभी पा नहीं सकते, चाहे जितना भी हम जानते हों समझते हों। जितना हमारा मन ध्यान में डूबेगा उतना हमारा व्यवहार सुंदर से सुंदर होगा और मन निर्विकार होगा, और जितना हमारा व्यवहार सुंदर प्रेमपूर्ण होगा, निष्काम पूर्ण होगा, अनासक्त होगा, निर्विकार होगा, उतना हमारा अभ्यास का ध्यान बहुत बढ़िया बनेगा। व्यवहार से ध्यान और ध्यान से व्यवहार दोनों सुधरते हैं। लेकिन हम व्यवहार में निष्काम अनासक्त कैसे रह सकते हैं, विकारहीन कैसे रह सकते हैं? जब हम जागरूक होंगे हर समय, अंत में होने जागरूकता का अर्थ क्या है? अंत में होने वाले परिणाम को देखना, और अंत में होने वाले परिणाम को हम देख लेंगे ना, वो अंतिम होने वाले जो परिणाम है हर समय हमारे मन के सामने दिखाई पड़ता रहे तो न कहीं राग होगा और न कहीं द्वेष होगा, न कहीं मोह होगा और न कहीं बैर होगा। हम सामने जो कुछ मिला होता है हमें उनको ही यथार्थ मान लेते हैं। व्यवहार के लिए यथार्थ मानना पड़ेगा, यथार्थ मानकर व्यवहार होगा, लेकिन जो सामने मिला हुआ है वो ऐसे रहेगा नहीं। अभी यहाँ हम आप इतने लोग बैठे हुए हैं, हम सब, मैं ये मान लूं कि मैं यहाँ ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ हूँ सबसे ऊपर, और इतने लोग बैठ करके, सैकड़ों लोग बैठ करके मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं सबसे योग्य हूँ, इसी भाव को बराबर सोचूं तो मेरे मन में अहंकार आ जाएगा, फिर मैं भूल जाऊँगा यथार्थता को। हकीकत क्या है? 2 घंटा पहले ये स्थिति यहाँ नहीं थी, और आधा पौन घंटा पचास ये स्थिति यहाँ नहीं रहेगी। सब लोग एक एक करके उड़ जाएंगे यहाँ पर, ये सुनसान हो जाएगा हाल,
यदि मैं मानूं कि मैं यहाँ पर गद्दी पर बैठा हूँ, सबसे ऊपर बैठा हुआ हूँ, कितना मैं योग्य हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ, कब तक बैठा रहूँ गद्दी पर? थोड़े समय के लिए बस, अंत में मुझे यहाँ से उठना है, उसको देख लूँगा ना, तो इसमें कहीं मन आसक्त नहीं होगा, भूल नहीं होगी, मोह नहीं बनेगा। ये सामने दृश्यमान जो चीज है उनमें कहीं मोहित ना होना, कहीं न चिपकना, ये हमारे जागरूक होने की पहचान है। निश्चित है ये दशा, ये स्थिति एकाएक नहीं आती है, पढ़ते गुनते समझते अभ्यास करते करते आती है, चाहे मजबूरी बस कह लें, चाहे स्वेच्छा से कह लें, जब तक ये दशा नहीं आएगी पूरी जागरूकता की, हम कभी भवसागर पार नहीं हो सकते। वो भवसागर कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे मन के विकार ही है। इच्छा करी भवसागर, सदगुरु कबीर कहते हैं। तो जितने जागरूक रहेंगे उतना ही मन विकारहीन होता जाएगा, और कोई विकार नहीं रह गया मन में तो कौन सा भवसागर रह गया, किसको तरना होगा फिर हमको? प्रायः लोग प्रश्न करते हैं, और प्रश्न क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। शिकायत हर किसी की है, हमारी आपकी हर किसी की है, कि ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, मन ठहरता ही नहीं है। ऐसा है पापी मन है कि मन एक पल भी नहीं ठहरता, बाहर भटक जाता है। क्यों? मन ठहरे के लिए करना क्या है? ये कोई नहीं पूछता है कि साहब मेरा मन का विकार दूर कैसे हो, मन में जो तमाम प्रकार की कामनाएं इच्छाएं हैं, ये कामनाएं दूर कैसे हो? पहली बात ये समझ लें, जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से आज तक क्या काम किए हैं? केवल मन को चंचल बनाने का, विकारी बनाने का और बहिर्मुख बनाने का काम किया है। ऐसी बातें सुनते रहे, ऐसी बातें करते रहे, ऐसी बातें सोचते रहे, ऐसे दृश्य देखते रहे, ऐसे काम करते रहे जिससे हमारा मन चंचल बने, विकारी बने, बहिर्मुख बने, और 10 20 25 50 70 साल का चंचल मन चाहते हैं 7 मिनट में शांत हो जाए, कैसे होगा? पहले उन दृश्यों को देखना बंद करें जिन्हें देखने से मन में विकार उड़ता है, चंचलता आती है, बैरमुक्ता आती है। उन चीजों को खाना बंद करें जिन्हें खाने से शरीर में उत्तेजना आती है, गर्मी आती है। उन लोगों से मिलना बंद करें जिनके संबंध से, व्यवहार से मन में विकारी भावनाएं जगती है। उन बातों को सुनना और उन बातों को सोचना बंद करें जिन बातों को सुनने से और सोचने से मन चंचल बनता है, विकारी बनता है, बहिर्मुख बनता है और उत्तेजित होता है। तो ये काम हम नहीं करते। तो जिन दृश्यों को देखने से, जिन बातों को सुनने से, जिन बातों को सोचने से, जिन चीजों को खाने से, जिस जगह में जाने से, जिनसे व्यवहार करने से मन में विकार आता है, चंचलता बढ़ती है, पहले उनको छोड़ना पड़ेगा। और यदि हम इनका त्याग पहले नहीं करते हैं तो चाहे जितनी साधना कर ले, 7 दिन नहीं 7 साल तक भी बैठते रहें, कभी मन स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, अंतर्मुख नहीं होगा। क्योंकि जिससे मन को बल मिल रहा है चंचलता के लिए, उत्तेजना के लिए, वो काम तो हम कर ही रहे हैं सारा का सारा। ये हमारे सोने की पहचान है, ये हमारी असावधानी की पहचान है
जागरूकता का पहला प्रयोग वहां करें। गलत देखना, गलत सुनना, गलत सोचना, गलत खाना, गलत करना, गलत संगत करना, गलत जगह जाना बंद करके अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा खाना, अच्छे लोगों की संगति करना, अच्छी जगह में जाना, ये शुरू करना होगा। केवल गलत का त्याग करने से काम नहीं बनेगा, गलत का त्याग करते जाएं और जो अच्छा है उसका प्रयोग करते जाएं, ग्रहण करते जाएं, तब दोनों होगा। तो पहले हमें उन सारी बातों का त्याग करना होगा जिन बातों से मन चंचल होता है और विकारी होता है, अब फिर साधना का काम करेंगे तो निश्चित है हमारा मन जो भाग रहा है वो भागना बंद करेगा, ठहरना शुरू हो जाएगा। इस संदर्भ में अनेक बार उदाहरण दिया गया है, गुरुदेव जी ने भी कहा है। बिहार में एक जगह गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, शाम का समय था, एक शहर से दो वकील गुरुदेव जी से मिलने के लिए आए। नमस्कार दंडवत हुआ, सब बैठे। उन दोनों वकीलों ने गुरुदेव जी से कहा, महाराज हम आपके परोक्ष शिष्य हैं, बहुत दिनों से आपकी किताबें पढ़ते आ रहे हैं और आपके प्रश्नों के कैसेट सुनते आ रहे हैं। वो जमाना कैसेट का जमाना था, तो सीडी और मेमोरी समय नहीं थे। बहुत दिनों से आपकी किताबें पढ़ते आ रहे हैं और आपके प्रश्नों के कैसेट सुनते आ रहे हैं, और जो आप लिखते हैं, बोलते हैं, सारी की सारी बातें हमारे मन को अपील करती है। आप सही जो कहते हैं, लिखते हैं, सही ही बिल्कुल। आज आपसे पहली मुलाकात हमारी हो रही है, लेकिन आप जो ये कहते हैं कि मन पूरा का पूरा शांत हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, ये बात अनुभव में नहीं आती, समझ में नहीं आती है। उनकी बातें सुन करके गुरुदेव जी ने कहा, जीवन भर, दोनों वकील तो थे और जो वकील तो तार्किक होते हैं, गुरुदेव ने बस इतना कहा था, जीवन भर का बस महाराज समझ गए, जीवन भर मन को चंचल करने का काम किए हैं, स्थिर करने का तो काम किए नहीं है, तो कहां से वो ठहरेगा। हम लोगों ने क्या किया है आज तक, अपने से पूछना है हमें, दूसरे से नहीं पूछना है कि जब से मैंने होश संभाला तब से लेकर आज तक मैंने क्या किया। क्यों चंचल बनाने का, विकारी बनाने का काम किया ना, और बैठे थोड़े समय के लिए चाहते हैं शांत हो जाए, कैसे हो सकता है। लगातार अभ्यास करना, लगातार अभ्यास करना, लगातार। मैंने कहा कि ऐसी सारी क्रियाओं को बंद कर देना होगा, देखना, सुनना, खाना पीना, बोलना, सोचना, जिससे मन को उत्तेजना में बल मिलता है, जिससे मन विकारी होता है, बहिर्मुख होता है, और बिल्कुल उसके उल्टे काम करना होगा। सही देखना, सही बोलना, सही सोचना, सही खाना, सही जगह जाना, सही सोचना, सही सब कुछ सही करना होगा। अब फिर रोज अभ्यास, रोज अभ्यास। सतु दीर्घ का निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि कहा गया है उदर्शन में। निरंतर दीर्घ काल तक और श्रद्धा पूर्वक कोई भी व्यक्ति हो, निरंतर करेगा, लंबे समय तक करेगा और लगातार करेगा और श्रद्धा प्रेम से करेगा, तो निश्चित है मन ठहरेगा। बाहरी भौतिक क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है कि भरपूर परिश्रम करने के पश्चात भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि भौतिक क्षेत्र की सफलता प्राणी पदार्थ और परिस्थिति सापेक्ष है। परिस्थिति अनुकूल नहीं हुई, पदार्थ नहीं मिले, प्राणी मनुष्य अनुकूल नहीं हुए,
तो पूरा परिश्रम करने के बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में, मन के क्षेत्र में, यहाँ की जो सफलता है प्राणी पदार्थ परिस्थिति सापेक्ष नहीं है, किंतु आध्यात्मिक साधना की जो सफलता है ये प्राणी पदार्थ परिस्थिति निरपेक्ष है। इसमें पूरी सफलता की गारंटी है, किसी घबराना नहीं है, लंबे समय तक करते रहें। यहाँ जो ये 7-8 दिन का जो शिविर लगाया गया, ऐसा नहीं है कि 7-8 दिन में आपको पूरी पूरी सफलता मिल जाएगी। ये तो एक ट्रेनिंग सेंटर है बस, कि कैसे करना है, शुरुआत कैसे करना है, रहन सहन कैसे करना है, भोजन कैसे करना है। ध्यान का लाभ लेने के लिए सात्विक भोजन चाहिए, सुपाच्य भोजन, सरल भोजन, सरल व्यवहार, सब कुछ सरलता होना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ आपको एक प्रेरणा दी गई है बस। अब यहाँ से जो प्रेरणा मिली है, इस प्रेरणा को आप वहाँ घर में जाकर प्रयोग करें, जितना आपको अवसर हो, सुबह शाम 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रोज बराबर बैठते जाएं, तब इसका उपयोग होगा। यहाँ 7 दिन तक लोग आए, 7 दिनों तक बराबर बैठ करके उपयोग करते रहे, साधना करते रहे, अभ्यास करते रहे, किसका मन कितना शांत हुआ या नहीं हुआ ये तो सबका अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा। हो सकता किसी को बहुत सफलता मिली हो सकता किसी को बिल्कुल ना मिली हो, किसी को थोड़ी सफलता मिली हो, किसी को एक सीख मिली हो, लेकिन 8 दिनों तक आप एक संत आश्रम में निवास किए, संतों के बीच एक पवित्र वातावरण में निवास किए, ऐसे ज्ञान विवेक विचार साधना संबंधी बातें सुनते रहे, सादा भोजन, सादा रहन सहन, सब कुछ सादा रहा है, अपने घर के जो मानसिक क्लेश चिंता तनाव उससे भी आप दूर रहें, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। संतों के बीच रहना, पवित्र वातावरण में रहना, ज्ञान की बातें सुनता रहना, कुछ न कुछ संस्कार इसका मन में पड़ेगा ही पड़ेगा। एक बीज पड़ा है, यहां पर कहना चाहिए एक ध्यान शिविर में आपके अंदर, हमारे अंदर एक बीज वपन किया गया है। तो हमारे अंदर एक बीज का वपन किया गया है, बीज रोपा गया, बीज बोया गया है। अब उस बीज को अंकुरित होने के लिए हम कैसी भूमिका तैयार करते हैं आगे, ये तो हम पर निर्भर करेगा ना। तो जैसी बढ़िया भूमिका तैयार करेगा और उस बीज की रखवाली करेगा, उसे ऐसी सफलता मिल जाएगी। अब भूमिका तैयार नहीं करेगा, सब कुछ छोड़ देगा, तो कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी आप यहाँ आए, 8 दिनों तक निवास किए, बराबर सभी मीटिंग में उपस्थित होते रहे, बहुत से लोगों ने मौन का पालन किया, बहुत लोगों ने मोबाइल जमा कर दिया, कुछ लोगों ने मौन का पालन नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों ने मौन का पालन किया, कुछ लोगों ने कम किया। 7 दिनों तक आप मौन रहे, ये भी बड़ी बात है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे गुरुभूषण साहब जी ने कहा, ये गुरुदेव जी की कृपा जो कुछ हम कर रहे हैं ये उनके प्रति श्रद्धांजलि है, उनके बारे में बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरु जी ऐसे महान थे, वैसे महान थे, वैसे महान थे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने गुरु को तो सभी महान कहते हैं, महान मानते हैं, तभी श्रद्धा होती है। हाँ, उनकी जो महानता है उसको हमारे जीवन में हम किस रूप में लेते हैं, यह हमारी मानसिकता पर निर्भर है। उनके बताए रास्ते पर जितना हम चलेंगे, उनकी महानता जितना समझेंगे, ग्रहण करेंगे, उतना हम कल्याण मार्ग में आगे बढ़ेंगे। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है। उनका जो त्याग है, उनका जो वैराग्य, उनकी जो साधना है, उन्होंने जो सीख दी है, उसको अधिक से अधिक अपने जीवन में उतारने का काम करना,
और चूंकि इसी के लिए हम गुरु के शरण में आते भी हैं, जिन्होंने भी कोई चाहे पास में रह करके, चाहे कोई दूर में रहकर, चाहे कोई आश्रम में रहकर, चाहे कहीं घर में रहकर, जिन्होंने भी अपने गुरु की सीख का पालन किया, उनके बताए रास्ते पर जो चले और चल करके अपने मानसिक विकारों पर जो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने अपने गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर ली, वो गुरु उनसे सचमुच में मुक्त हो गया। यही काम हमें भी करना है और उसी के लिए इस एक छोटे शिविर का आयोजन है। गुरुदेव जी का ये उपकार कि उन्होंने हमें ध्यान करने के लिए एक सीख दी, प्रेरणा दी, रास्ता बताया और उसी रात के बल पर हम सब यहाँ एकत्र हुए। हम सब का एकत्र होना और ध्यान से इनका अभ्यास करना ये गुरुदेव के प्रति श्रद्धांजलि है और इस अभ्यास को और आगे बढ़ाना होगा हमें, तो उनके प्रति श्रद्धांजलि और हो जाएगी। एक बात का निवेदन और करूँगा, निश्चित है श्री गुरुसेन साहब जी ने, गुरुभूषण साहब जी ने इस संबंध में काफ़ी कुछ कहा होगा। आप सब जिस उत्साह से आए और जिस उत्साह से यहाँ साधना शिविर में भाग लेते रहे, साधना करते रहे, आपको उत्साह हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है और इस उत्साह के लिए आप सबको हमारे आश्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है और हम आभारी हैं इसके। पिछले साल के ध्यान शिविर में कहा तो जाता था भाई कि अधिक से अधिक आप मौन रहें, मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, लेकिन प्रायः लोग ध्यान नहीं देते थे। मोबाइल का प्रयोग भी होता रहता था, बातचीत भी होती रहती थी। अब की बार आश्रम के सभी संतों ने लगभग मोबाइल जमा कर दिया। ध्यान शिविर में जो भाग लेने के लिए आए 50% से अधिक साधकों ने मोबाइल जमा किया और बहुत लोगों ने मौन का पालन किया। तो जिन साधकों ने, साधिकाओं ने अपना मोबाइल जमा कर दिया था और जिन्होंने मौन का पालन किया, पूरी तरह मौन का पालन किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन लोगों ने अपने मोबाइल जमा नहीं किया किसी कारणवश और जो मौन का पालन नहीं कर पाए किसी कारण, उनको डबल डबल धन्यवाद है। और एक निवेदन यही है कि आगे के लिए सावधान रहना है। अगली बार जब आप आएंगे ना ध्यान शिविर में, जब आयोजित होगा, तो घर से ये चलकर, घर से ये सोच का संकल्प लेकर के चलें कि आश्रम में जाते ही मुझे मोबाइल जमा करना है और 7-8 दिन तक मुझे मौन का पालन करना है, तभी आप लाभ ले पाएंगे पूरा का पूरा। और तभी वो जो हम जिस रास्ते में चल रहे हैं उस रास्ते में चलते हुए मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आप सबके प्रति पुनः पुनः आभार व्यक्त करते हुए और पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में अनेकानेक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हेलो गुरुदेव शत गुरु मोक्ते दाता ते दोपदीपल पूजिए भाल चंदन पुष्प चरण हार गल महादीजिए कर जोर करो मैं स्तुति
गुरु तारण तरण दयाल हो, क्षमा करो अपराध साहेब, देन जीवन वाल हो, आप पारख रूप साहेब, जानते सब माके मैं अधम करमी जीवशत गोरो नाहि हो, कछु लाय के गोरो करत हूँ मैं, बेनती प्रभु सुनिए जो दीनयनाथ की, अधम उद्धारन भव भयहारन जीवन करत शनाथ के, जगत स्वामी अजीत साहेब परख गुण को गई सक, दया क्षमा दे आय को आप को सो लहि सक, ओम सद गुण नाहि साहेब लाओ मैं कैसे, आप को बार बार थोड़ा रुकिए शरण शरण मैं शरण हूँ, थोड़ा रुकिए गने कछु ना करुणा निधि है स्वागतम, मंगल करण शुभ आइए, बोले हुए निज दास को चरणों में लो अपनाइए, बहु राग द्वेष विग्रहयुत परवाह में बहते हुए, निज नाम जहाज बिठाई के भवधार पार कराइए, करुणा निधि है स्वागतम, मंगल करण शुभ आइए, बोले हुए निज दास को चरणों में लो अपनाइए, है पंथ नाना जगत में निज निज गुणन को गा रहे, सब का बता कर सार असार विस। हेलो, यहाँ 20 के नोट किसी के गिर गए नीचे, पूजा करने के लिए आए थे, पूरी गड्डी गिर गई है, ले ले। है पंथ नाना जगत में निज निज गुणन को गा रहे, सब का बता कर सार असार विशुद्ध बोध कराई, करुणा निधि है स्वागतम, मंगल करण शुभ आइए, भोले हुए निज दास को चरणों में लो अपनाइए,
कामादि कल दल संग है साहेब मैं आड़े इसमें दे दो इसमें भी बहन हेलो ऐसा है इसमें भी दे वाले वरे कामादि कल दल संग है सत मार्ग में आड़े खड़े गोरो ज्ञान असे वरदान करी में मार चार मिलाइए करुणा निधि है स्वागतम मंगल करन शुभ आइए बोले हुए निज दास को अरे नो मिलो अपनाइए अब दास का यही है विनय गुरुपति पावन चरण में स्तुति करत निज सेवको अर्पित पत्र पुष्प सुविकारिये करुणा निधि है स्वागत मंगल करन आइए बोले हुए निज दास को चरणों में लो अपनाइए अब दास का यही है विनय गौरोपति पावन चरण में स्तुति करत निज सेवको अर्पित पत्र पुष्प सुविकारिये करुणा निधि है स्वागतम मंगल करन शुभ आइए भोले हुए निज दास को चरणों में लो अपनाइए आरती हो गुरु आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब ज्योत जहाँ जाग साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब हेलो के जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो दरस परस गुरु चरण शरण भयो परस गुरु चरण शरण भयो यम जा साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन
की कृपा से परख परकास साहेब रती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो नगरो रधिकांत विनती सुनिए मोर विनवत कर जोर के गुरु सगत क्रोधम दलोभ में नित में रहूं दीन दास प्रभु जानी के लीजे बंद छोड़ा मम दृष्टि महामलिन है खानी पानी के बीच दया करी गुरु बो दिए मैं हूँ अधम यतिनी काल जाल बहु पेर में परिहानि पट गवार शरण आए की लाज है साहेब लीजे उबा मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे ना ममने बंदी छोरी यह दीजिए वरदान सदायक साहिब के दरबार में कमी काओ की नाय बंदा मोई पावे नहीं चोक चाकरी मा नागरो रधिकं तत्त्वं नागरो रधिकं तपा गुरु ज्ञानं परं नास्ति तस्मै सद्गुरवे नमः ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपा गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परं सब लोग बैठ जाएं सब लोग बैठ जाएं बंदगी होगी पीछे खसक के बैठ जाएं बंदा सन्मुख पार की शीश भेंट धरी हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहेब बंदगी बोलिए सतगुरु देव की जय सतगुरु कबीर साहेब की जय सतगुरु राम सुरा साहेब की जय सतगुरु अभिलाष साहेब की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय इस ज्ञान यज्ञ की साहेब बंदगी साहेब हाँ सभी लोग प्रसाद लेकर के आप लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे थोड़ा सा अपने जगह पर बैठ लें वापस